जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग TSWT के अंदर में क्लॉक एंड कैलेंडर्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये हम लोगों की 1 आवर की एक पावर पैक सेशन होगा, जिसके अंदर में हम लोग क्लॉक से जुड़े हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, कैलेंडर से जुड़े हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, हर एक चीज समझ लेंगे, ठीक है। और ये हम स्पेसिफिकली आपको CSWT के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर में पूछा जाना ज्यादा प्रोबेबल होता है, उन टॉपिक्स को हम ज्यादा प्रायोरिटी पे कवर अप करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम क्लॉक्स के कॉन्सेप्ट के साथ में। क्लॉक्स के अंदर में आपको ध्यान रखना है, क्लॉक्स के अंदर में आपको ध्यान रखना है क्या, एक दिन में कितने घंटे? 24, लेकिन अपने क्लॉक्स कितने होंगे? 12, ठीक है। एक होगा आपका मिनट हैंड और एक होगा आपका आर हैंड। मिनट हैंड द लॉन्गर आर्म, आर हैंड द शॉर्टर आर्म, और ये पूरा का पूरा कितना होता है? 360 डिग्रीज, है ना। आपको कुछ चीजें समझनी है कि एक घंटे के अंदर में अगर हम कहें 12 घंटे में 360 डिग्री कवर अप किया जाता है बाय द मिनट हैंड, 12 घंटे में मिनट हैंड 360 डिग्री कवर अप करता है, तो एक घंटे के अंदर में मिनट हैंड 30 डिग्रीज कवर अप करता है। 12 घंटे में 360 डिग्री कवर अप करता है, मतलब एक घंटे के अंदर में 30 डिग्रीज ये कवर अप करता है। अच्छा, एक घंटे के अंदर में ये आर वाला हैंड कितना कवर अप करता होगा? ये तो हो गया मिनट हैंड के लिए, ये हो गया आपका मिनट हैंड के लिए। ये है आपका मिनट हैंड का। बताइए आर वाला हैंड कितना कवर अप करता है एक घंटे के अंदर में? सुनना, ये आर वाले हैंड के लिए था, आई एम सॉरी। मिनट वाला हैंड कितना कवर अप करता है एक घंटे में? 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। और 12 घंटे के अंदर में ये तो ऑब्वियसली 12 बार उतना ही घूम लेगा। आगे सुनो, ये बताइए कि अगर एक घंटे में ये 30 डिग्री मूव कर रहा है, तो एक मिनट में आर वाला हैंड कितना मूव कर जाएगा? आधा डिग्री, 0.5, हाँ। और ये मिनट वाला हैंड एक मिनट में कितना मूव कर जाएगा? 360 डिवाइड बाय 60, यानी कितना? 6 डिग्री। तो हर एक मिनट में 5.5 डिग्रीज का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हर एक मिनट में 5.5 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बोलो, एग्री करते हो इस बात? चलो, अब अगर ये आपके एंगल्स हैं हर एक घंटे में 30 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री मिनट हैंड के अंदर में, यानी ये जो 12, 1, 2, 3, तो यहां से 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री होता है, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री होता है, 2 से 3 के बीच में भी 30 डिग्री का एंगल होता है। कुछ बेसिक चीजें आप लोग बताइएगा, क्या आप ये बता सकते हैं कि इफ इट इज 2 PM व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड? व्हाट इज एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड? एट 2 PM अगर 2 बज रहे हैं तो 30 डिग्री कितना हो गया? 60 डिग्री, है ना, क्योंकि
दो बज रहे हैं तो मिनट हैंड आपका 12 बजे और ये ठीक 2 बजे, तो 30 और 30 60 डिग्री का बीच में एंगल होता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि 7:30 पे क्या होता होगा? पीएम हो या एएम क्या फर्क पड़ता है ना? बताइए 7:30 पे क्या एंगल बनता होगा? 45। 7:30 पे क्या एंगल बनता होगा? 7:30 पे जी नहीं, 7:30 पे ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, 7:30 इसके बीचों बीच और यहां पे आ गया आपका मिनट हैंड, तो ये कौन सा हैंड है आपका? मिनट। ये कौन सा है? आर। तो ये 30 यहां पे और ये 30 का आधा यानी कितना? 15। तो इन टोटल कितना बन गया? 45 डिग्री। तो 7:30 पे इन दोनों के बीच कितना एंगल बनता होगा? 45 डिग्री। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि 8:15 पर, 8:15 पे क्या एंगल बनता होगा? अगर आप इसको गिन रहे हैं, अगर आप इसको इस प्रकार गिन रहे हैं, सुनना मेरी बात, अगर आप इसको ऐसे गिन रहे हैं कि ये मिनट हैंड आ जाता होगा 3 पे, मिनट हैंड आ जाएगा 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर आप इसको ऐसे गिन रहे हैं कि ये 8 और ये 15, तो 1, 2, 2, 3, 4, 5, तो 5 × 30 कितना हो जाएगा? 150। अगर आप इसको 150 डिग्री गिन रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि 8 से थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। अब समझना मेरी बात, सुनो ध्यान से, ये चीज अपनी गलत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 8 से थोड़ा आगे बढ़ चुका होगा। अब ये कितना आगे बढ़ चुका होगा ये हमको निकालना है। तो हर एक मिनट में ये आर वाला हैंड कितना आगे बढ़ता है? हर एक मिनट में ये कितना बढ़ता है? 0.5। तो 15 मिनट में कितना बढ़ा होगा? 7.5 डिग्री। एक मिनट में आधा, तो 15 मिनट में 7.5। अब ये कितना आ रहा है? 3 से 4, 5, 6, 7, 8, है ना, यानी 5 × 30, 150 डिग्री ऐसे बढ़ा, 150 डिग्री ऐसे बढ़ा, प्लस 0.5 × 15 इतना और आगे बढ़ गया, तो कितना हो गया? 150 + 7.5 यानी 157.5 डिग्री, 157.5 डिग्री। ये आया आप लोगों को मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल? और एक क्वेश्चन बताना। अब अगर हम आपसे पूछें 5:45 क्या एंगल होगा? फाइव से 45 ये हो गया, ये सर नो, लेकिन इस बार बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये सर नो, तो बताओ 5 से 45 में 1, 2, 3, 4, तो 4 × 30 डिग्री, 120 डिग्री तो था ही, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया होगा, 22.5 क्या कर देंगे इसमें? -22.5 कैसे आया सर? आधा डिग्री ये आगे बढ़ा होगा पर मिनट, तो 45 मिनट के अंदर में 22.5 डिग्री, यस और नो?
तो ये हो गया 120 माइनस 22.5, तो 97.5 डिग्री। देखिए ये बीच का जो एंगल है ये कितना है, 120, ये आया कि नहीं आया, ये बीच का एंगल 120 है, और हर एक मिनट पे आधा डिग्री और आधा बढ़ता गया होगा, तो समझो ना, पौने 545, पौने 6 पे ये 5 पे थोड़ी रहा होगा, ये तो और आगे बढ़ गया होगा ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये कितना आगे बढ़ा होगा, हर एक मिनट पे आधा डिग्री, तो 45 मिनट में 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। है बहुत सी चीजों के, हर एक चीज के अपने अपने शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर सकें, ठीक है, एक ऐसा तरीका जिससे कि आप हर एक जगह पर अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हो। यहां तक आया? अच्छा अब समझो, हमसे पूछता है व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल कोइंसाइड, व्हेन आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल कोइंसाइड। देखो हर बार जब ये सुई घूमती है तो आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को एक ना एक बार तो कोइंसाइड करती ही है। जैसे मान लो अभी 2 बज रहा है, तो 2 कुछ ऐसे बजता है ना, तो बीच में कहीं जा करके आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे या नहीं करेंगे? कुछ 2 बजकर हो सकता है, 10-12 मिनट पर कुछ ना कुछ करेंगे। तो कब ये आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे ये हमको निकालना सीखना है, ठीक है, ये कब आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे ये हमको निकालना सीखना है। तो व्हेन आर हैंड एंड मिनट हैंड विल कोइंसाइड, इसके लिए सिंपल तरीका, मान लो 2 बजे का ही ले लेते हैं, अगर इस समय 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं तो सर ये कुछ एंगल बन रहा है, ये 2, 1, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 60 डिग्री का, ये अंतर हर एक मिनट पे कितनी बार से कम होता जाएगा, हर एक मिनट पे 5.5 डिग्री से कम होगा, हर एक मिनट पर ये अंतर 5.5 डिग्री से कम होता जाता है, बोलो है या नहीं? तो हर एक मिनट पे ये 5.5 डिग्री घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, तो फिर बताइए कितने समय में ये 60 डिग्री का अंतर कवर अप कर लेगा, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.5, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 5.5, फिर से हमसे पूछ रहा है कि कब ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, तो हर एक मिनट पर ये आधे डिग्री का डिस्टेंस कवर करता है आर हैंड, और ये कवर अप करता है 6 डिग्री का मिनट हैंड, तो हर एक मिनट पे मिनट हैंड आर हैंड के 5.5 डिग्री क्लोज चला जाएगा कि नहीं, ये बढ़ेगा आधा डिग्री, ये बढ़ेगा 6 डिग्री, ये बढ़ेगा आधा डिग्री, ये बढ़ेगा 6 डिग्री, तो हर एक मिनट पर 5.5 डिग्री क्लोज आ जाएगा, और इसको टोटल कितना क्लोज आना था, 60 डिग्री इसको कवर अप करना था, 60 डिग्री का अंतर, समझे? तो हमारे पास में एक सिंपल सा मेथड आता है 60 डिवाइड बाय 5.5, तो 60 डिवाइड बाय 5.5 अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल कम टू, इसको देखो कट कर देंगे, इसको हमेशा 5 से कट कर लिया करना, या 0 हटा दो तो ये 0 हो गया, 5 से जाएगा 11 टाइम्स, ये चला जाएगा 120 टाइम्स, ठीक है। अब 120 डिवाइडेड बाय 11 अगर करोगे तो ये डेसिमल में निकालेंगे, फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, इट विल कम टू 1, 0, 10 होल 10 बाय 11, तो 10 होल 10 बाय 11 मिनट में, यानी 10 पॉइंट समथिंग मिनट्स में, तो 2:10 पे नहीं करेगा कोइंसाइड, 2:10 और कुछ सेकंड्स होंगे,
तो टू होल टेन, टेन बाय इलेवन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं टू आर टेन होल टेन बाय इलेवन मिनट्स पर दे विल कोइंसाइड ईच अदर। क्या आया समझ में? एक बार और एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे मान लो, मान लो कितना बज रहा है, पांच। अब अगर पांच बज रहा है तो क्या ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे? नहीं। आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे? नहीं। आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। ये बताइए कि अब कितने मिनट पर ये एक दूसरे को, कितने मिनट बाद ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे? तो ये बताओ, अभी पांच अगर बज रहा है तो क्या एंगल है इनके बीच में, कितना एंगल है इनके बीच में? पांच इंटू तीस, 150। तो 150 डिग्री का हमको डिस्टेंस कवर अप करना है, और एक मिनट में कितनी देर? साढ़े पांच, यस और नो? तो फिर बताओ ये कैसे हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 55, 5 से काटा 11 और ये हो गया 300, 300 बाय 11 कितना हो जाएगा? 280 कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स, 27 पोल 3 बाय 11 मिनट्स, यानी 5:27 3 बाय 11 समथिंग पर मिनट हैंड और आर हैंड एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 5 hours 27 होल 3 by 11। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया? और एक सवाल करिए, बताइए when hour hand and minute hand will coincide between between 3 to 4 PM, between 3 to 4, यानी तीन के बाद। तीन पे तो बताओ कितना डिग्री कवर अप करना है? 90, तो 90 डिवाइड बाय क्या? 5.5 करो, कितना हो जाएगा? 90 डिवाइड बाय 5.5 करो, कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज कवर अप करना है, तो 90 डिवाइड बाय 5.5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा नीचे 11, 900 डिवाइड बाय 5 कितना होगा? दिस विल बी 170 विल को कितने टाइम्स? 16 होल 3:16 4:11 पर दोनों हैंड्स आपस में क्या कर जाएंगे? कोइंसाइड। अच्छा, हमसे कभी कभी पूछता है कि कब ये एक दूसरे के ठीक अपोजिट रहेंगे, कब ये एक दूसरे के ठीक अपोजिट रहेंगे। तो देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। एक होता है कि कोइंसाइड करना, एक होता है अपोजिट होना। एक हो गया कोइंसाइड करना और एक होता है
अपोजिट रहे, अपोजिट रहने पर इनके बीच में क्या एंगल बनता है? जैसे ये है आपका 12 और 6, तो इस केस में ये क्या है? अपोजिट, ठीक है। खैर ऐसा कभी होता है? ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि 12 बज रहा हो तो 6 पे तो होगा नहीं, ठीक है। ठीक 6 बजे ये अपोजिट होते हैं, ठीक 6 बजे ये क्या होते हैं? अपोजिट। अब समझना, हमसे पूछ रहा है कि ठीक 180 डिग्रीज का हमको गैप बनाना है। कितना? 180 डिग्रीज का। अब मान लो 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो 3 कुछ इस तरह से बजता है, और 3 बजे कितना गैप होता है? 90 डिग्री। अब हमें 90 का गैप और बनाना है, 90 का गैप हमको और बनाना है। तो समझो, इस बार ये पहले इस 90 को कवर अप करेगा, सॉरी 180 का गैप हमको बनाना है, पहले ये इस 90 को कवर अप करेगा, बोलो है कि नहीं। और फिर उसके बाद ना ये 180 और आगे बढ़ेगा, यानी इस बार इसको टोटल कितना गैप बनाना होगा? 270। पहले ये 90 का गैप आकर के कोइंसाइड करेगा, हाँ। तो पहले समझो, ये 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो पहले आकर के मिनट हैंड और इधर में कोइंसाइड होगा, फिर ये 180 अपोजिट में जाएगा ना, क्लॉकवाइज ही चलेगा ना। तो इसको इस बार टोटल कितना डिस्टेंस कवर अप करना है? 270 डिग्रीज का। तो अगर व्हेन लिखते हैं, व्हेन विल आर हैंड एंड मिनट हैंड बी अपोजिट टू ईच अदर, जैसे मान लो हम कहें, सुनो मेरी बात, जैसे मान लो हम कहें शुरुआत से शुरू करते हैं, अगर 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो बताओ आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना अंतर? वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? वो ऑलरेडी कोइंसाइड कर रहे हैं, और हमको कितने का अंतर क्रिएट करना है? 180 डिग्रीज का। तो ये लगभग कुछ इस समय होगा जब ये 12:30 लगभग समथिंग हो, और ये एकदम ठीक अपोजिट 12:30 थोड़ा आगे में हो, यस और नो? यानी हमको 180 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है। तो 180 जीरो, क्योंकि ऑलरेडी वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 0 प्लस 180 डिवाइड बाय 5.5। तो ये 180 डिवाइड बाय 5.5 कितना होता है? ये हट जाता है, ये इधर जाएगा 11, 360, 360 बाय 11 कितनी बार जाएगा? 3, 30 बचेगा, तो 2, 8/11, यानी 12 घंटे 32 होल 8/11 मिनट पर। एक बार सिर्फ देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ देखिए, आई गारंटी यू क्या आ जाएगा। अब मान लो हम पूछें 1 से 2 के बीच में, 1 बज रहा है, तो when between 1 to 2 PM, तो अगर 1 बज रहा होगा तो बताओ क्या होगा एंगल? आर और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा? 30। तो इसको ये 30 कवर अप करना है, प्लस 180 का एंगल और बनाना है। तो अगर 1 बज रहा है, तो इट विल बी 30 प्लस 180 बाय कितना? 5.5, यानी 210 डिवाइड बाय 5.5। अब बताओ कितना 210 डिवाइड बाय 5.5, 5 से काटेंगे 11 नीचे वाला, और ऊपर वाला 2100, तो 21 कितनी बार जाता है? 4, फिर 1 बचेगा 10, 420, तो 420 बाय 11। अब 420 बाय 11 को अगर देखेंगे तो ये कितनी टाइम चाहेगा? 3 बार 33, 9 बचेगा 90, 8 बार 88, 38 होल 2/11, यानी 1:38, 38 होल 2/11 मिनट पर। समझे?
बताओ 6 to 7 PM के बीच में कब ऐसा होगा? 6 to 7 PM के बीच में कब ऐसा होगा? तो ऑलरेडी 6 बजे तो 180 है ही, ऑलरेडी 6 बजे तो 180 है ही, इस बार 180 है तो हो ही गया ना। 6 to 7 PM के बीच में 6 PM पर ही तो हो जाएगा। 6 to 7 PM के बीच में कब हो जाएगा? 6 PM पर ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसको हम और कुछ कर लेते हैं। मान लो हमने कहा 7 to 8 PM, तो 7 to 8 PM के बीच में, तो 7 PM पे कितना, 210 डिग्री का ऑलरेडी एंगल है, प्लस और कितना बनाना है हमको, 180 का बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा, 390। अब सुनना मेरी बात, 390 जब भी बनाने की बारी आए तो ये 360 से ज्यादा हो गया भैया, 390 डिग्री नहीं बनता है, 360 से जितना ज्यादा है वो घुमा करके मतलब 30 डिग्री बनाना है कि नहीं? 360 बनेगा तो जीरो, और फिर 30 डिग्री और, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा एंगल बना रहे हैं ना, तो आप उसको 180 से ज्यादा है तो वैसे भी कह सकते थे 30 डिग्री बनाना है, या हम कह सकते थे कि 360 से जितना ज्यादा आ रहा है उतना बनाना है, तो 360 से कितना ज्यादा आ रहा था, 30, तो उसको 30 डिग्री और बनाना है, उसको 30 डिग्री और बनाना है, ठीक है। अब बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 ये इधर किया 0, 5 से गया 11, 5 से गया 60, मतलब वही 5 होल 5 बाय 11, तो 7 बजकर कितना, 5 होल 5 बाय 11 मिनट पर, ये क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। बोलिए क्या ये बात क्लियर है आप सबको? स्टूडेंट्स प्लीज सेंड अ चार्ट एंड कंफर्म कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, ये हो गया कब कोइंसाइड करेगा और कितना एंगल है। तो हमने देखिए दो तरह के सवाल करवाए, क्या एंगल है आर हैंड और मिनट हैंड के बीच, कब कोइंसाइड करेगा और कब अपोजिट रहेगा। इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और कोई तरह के सवाल इसमें से नहीं पूछे जाते। अगला है हमारा कैलेंडर का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा है तो भी परेशान मत होइएगा, हम आपको क्लास के एंड में लिखने का मौका देंगे। कैलेंडर के कॉन्सेप्ट पर आते, कैलेंडर में आप लोग ये समझिएगा, लिखना चाहते थे आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे, फिर भी आप लोग सारी चीजों को लिख सकते थे, तो आप लोग ये क्रक्स बना करके याद रख सकते, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, कैलेंडर में हम लोग कहते हैं वन ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, वन लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज, ठीक, एंड every century leap year is equal to 400 years and every century year is not a leap year.
एवरी सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर एक्सेप्ट सेंचुरी लीप ईयर। माने क्या? एग्जाम्पल, साल 1900, 2100, 2200, 1800 दे आर नॉट लीप ईयर, ये लीप ईयर्स नहीं। ऑल्दो दे आर डिविजिबल बाय फोर, लीप ईयर कौन होता है जो कि डिविजिबल बाय फोर, लेकिन ये सब लीप ईयर नहीं है। लेकिन बट 0, 400, 800, 1200, 1200, 1600, 2000, 800, 1200, 1600, 2000 ये सब क्या है? सेंचुरी लीप ईयर। ठीक, अब समझो, वन ईयर हैज 52 वीक्स एंड 52 वीक्स का मतलब होता है 52 × 7 = 364 days। तो वन ईयर will have one odd day, odd day माने जितने 7 के टेबल में नहीं आते हैं, यानी वीक्स उसमें कंप्लीट नहीं होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं odd day। तो it will have one odd day। जैसे अगर हम कहें 10 दिन, तो 10 divide by 7 कितना होता है remainder? 3, तो 3 odd day। अगर हम कहें 14 days, तो 14 के अंदर में there are 0 odd days। हम कहें 15 days, तो there will be one odd day, 16 days, 2 odd days। तो जितने में weeks complete नहीं होते हैं, उसके बाहर जितने भी extra days आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं odd days। तो one year will have कितना odd days? One odd day। Okay, but one leap year, अगर एक leap year है, it will have 2 odd days। One leap year will have 2 odd days. ठीक, हाँ, leap year माने जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब इसमें हम पहले आपको ना कुछ बेसिक काउंटिंग सिखाते हैं, बेसिक काउंटिंग ऑफ डेज। जैसे इसको आप ऐसे समझो, अगर हम कहें आज कौन सा डे है और आज कौन सा दिन है, 21st October, example, 21st of October 2022 is Friday. What will be? कौन से दिन का निकालें बताओ? बारह नवंबर, ऐसा कोई खास दिन? चलो 12 नवंबर। ठीक है, सुनो, 12 नवंबर की दिन क्या होगा? तो ये बताओ, 21 से लेके पहले कहां तक जाना? अक्टूबर में कितने दिन? 31। अक्टूबर में कितने डेज होते हैं? 31। तो अक्टूबर के कितने डेज हो गए? 10। और नवंबर के कितने दिन? 12। तो टोटल कितना हो गया? 22। तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 22 डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर बचेगा 1 ऑड डे। अगर एक ऑड डे है, तो एक फ्राइडे के एक दिन बाद कितना पड़ जाएगा? तो 12 नवंबर को सैटरडे।
12 नंबर इज स्टार्टेड। क्लियर? और एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ जुलाई, किसी भी एक ईयर का ले लेते हैं, फर्स्ट ऑफ जुलाई इज वेडनेसडे। ठीक है, विच मंथ विल अगेन स्टार्ट विथ वेडनेसडे? तो देखो जुलाई के अंदर में कितना हो गया, 30 डेज मोर, 1 जुलाई वेडनेसडे, तो जुलाई में भी 30 डेज मोर, तो जुलाई के अंदर में कितने और डेज, 2। ठीक है, लेकिन समझो अब अगर हम जुलाई के बाद अगस्त लेंगे तो फर्स्ट अगस्त के अंदर में अगेन फिर हम एक को इंक्लूड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। हमको तो फर्स्ट चेक करना है ना, तो अगर हम किसी भी मंथ का बिगिनिंग से देख रहे हैं, किसी भी मंथ का बिगिनिंग से देख रहे हैं, तो आप उसको सीधा सीधा ऐसे करके जोड़ो कि जुलाई के अंदर में 31 दिन, क्योंकि अभी हम देखो अगर फर्स्ट जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जोड़ेंगे 30 दिन, उसके बाद फर्स्ट अगस्त को देख रहे हैं तो फिर वो भी तो एक तारीख होगा, तो उसके अंदर भी एक दिन जोड़ेंगे, तो 2 और प्लस 1 करने से सीधे जुलाई का देखो 3 दिन, जुलाई का आप शुरुआत से देख रहे हो ना, तो जुलाई का पूरा देखो 31 दिन, तो जुलाई के 31 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा, 3। तो जुलाई के अंदर में 31 दिन होते हैं ना जुलाई में, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जुलाई का जैसे 1 तारीख से देखते हो 31 तारीख तक, तो 30 दिन लेते हो और एक दिन अगला वाला लोगे, तो आप सीधे सीधे ये देखो ना जुलाई का 31 दिन, ठीक, तो जुलाई के 31 दिन में कितने और डेज बचेंगे, 3 और डे। अभी तो देखो कब वही सेम डे वापस आएगा, जब नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाए, कब वही सेम डे वापस आएगा, जब नंबर ऑफ ऑड डेज 0 हो जाए, और नंबर ऑफ ऑड डेज 0 कब होंगे, या तो 7 ऑड डेज हो जाए, तो 7 ऑड डेज टुगेदर मिला करके एक वीक बनाते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि 7 ऑड डेज पे वो एक वीक बन जाएगा, यानी वो वापस से रिपीट हो जाएगा। तो जुलाई के अंदर में देर आर 3 ऑड डेज, उसके बाद अगस्त के अंदर में भी देर आर 3 ऑड डेज, है ना, मई जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर में देर आर 2 ऑड डेज, सर 3, 3, 6, 2, 8 आ गया, अरे 7 तो आया ही नहीं, और आगे बढ़े सितंबर के बाद अक्टूबर में देर आर 3 ऑड डेज, अब 7 नहीं आया तो हम 14 लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगस्त का हमने पूरा काउंटिंग किया, क्योंकि अगर अगस्त के देखेंगे फिर उसके बाद उसका देखो सितंबर का एक दिन, तो आप सीधे दे देखो कि आप पूरा पूरा मंथ ले रहे हो, हाँ पूरा पूरा आप मंथ ले रहे हो, ठीक है, पहले दिन से अगर काउंटिंग करें तो पूरा का पूरा मंथ लेकर के काउंट कर लो। तो देखो आपसे सवाल ऐसे करके पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके मॉड्यूल में भी ऐसा एक सवाल है कि अगर किसी एक ईयर के अंदर में जुलाई का महीना वेडनेसडे से शुरू हो रहा है, तो अगला ऐसा कौन सा महीना होगा जो कि अगेन वेडनेसडे से शुरू हो, तो जुलाई के अंदर में 3 ऑड डे, अगस्त में 3 ऑड डे, सितंबर में 30 दिन होते हैं तो 2 ऑड डे, 30 डिवाइड बाय 7, 2 का रिमाइंडर बचता है, अक्टूबर में 3 ऑड डेज, अब 7 नहीं आ रहा था तो हम 14 लाने का सोच रहे हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, अक्टूबर के बाद नवंबर में 2 ऑड डे कितना हो गया, 13, और दिसंबर में 3, 16, अब अभी भी नहीं आया, जनवरी में 3, 16, 3, 19, अब फरवरी का सर हम 29 डेज माने, 28 नॉर्मली मानते हैं हम लोग 28, तो फरवरी के अंदर में कितने और डेज हो जाते हैं, 0, अगर 28 डेज का है, लीप ईयर नहीं है, तो 0 और डेज हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मार्च में कितने, तो 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 11, 2, 13, 3, 16, 16 और 3, 19,
और इसमें वापस से तीन आ गए क्या, 22, ठीक है ओके। एक्चुअली हमने ये सवाल रैंडमली लिया था, इसलिए संजोग ऐसा है कि ये सवाल बैठ नहीं रहा, ये सवाल ऐसा है कि इसमें बैठ नहीं रहा। हाँ हम आपको बुक का ऐसा ही क्वेश्चन दिखाते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। देखो हाँ देखो ये सवाल है, मार्च 1 इज वेडनेसडे, विच मंथ ऑफ द सेम ईयर स्टार्ट्स विद द सेम डे। तो बताओ मार्च में कितने और डेज, तीन, उसके बाद अप्रैल में दो, देखो हम गिनते जा रहे हैं, मार्च में तीन, अप्रैल में दो, पांच, उसके बाद मई में तीन, आठ हो गया, अभी सात सात चौदह नहीं बना। हमसे पूछ रहा है कौन सा ईयर, विच मंथ ऑफ द सेम ईयर विल स्टार्ट विद द सेम डे, अभी आठ आठ हो गया ना, मार्च तीन, अप्रैल दो पांच, मई तीन आठ, जून दो दस, जुलाई तीन तेरह, अगस्त तीन, अब फिर आगे बढ़ गए सोलह, सितंबर दो अठारह, लेकिन अक्टूबर तीन इक्कीस, ठीक है अक्टूबर में आ गया, इसका मतलब एक नवंबर को वापस से क्या पड़ेगा वेडनेसडे, एक नवंबर, नवंबर हैज द सेम स्टार्टिंग डेट। समझे कि नहीं समझे भैया, आया कि नहीं आया, तो ये हम आपको करवाना चाहते थे सवाल, जून में जाके हो रहा है तो उतना एक्चुअली हम देखो ये क्या था, ये बुक ने पहले से फ्रेम करके रखा हुआ था, उन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था कि हाँ इतने जल्दी हो जाएगा, मेरा सवाल में बहुत लंबा कैलकुलेशन जा रहा था, 28 29 30 पे जा जा करके हम कैलकुलेट करते रहेंगे तो हो गया बात खत्म। उतना तुम लोगों के लिए ये सवाल फीजिबल है या नहीं है, ये सवाल फीजिबल है ना, एग्जाम में कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। एवरीबडी इन द लाइव चैट प्लीज कंफर्म ये आया कि नहीं आया, आ गया तुम लोगों को। If Arun's birthday is on May 25, which is Monday, and her sister's birthday is on July 13, which day of the week is his sister's birthday? Arun ka birthday kab hai? May 25, which is Monday. And sister's birthday is on July 13, which day of the week is? Achha, May ke baad July, 25 May. So May ke andar mein 6 din. Aur June mein, nahin, June ka pura jodte hai na? या ऑड डेज करके जोड़ लें क्या, मई के छह दिन पूरे छह ऑड डे, उसके बाद जून के दो दिन, जून में दो ऑड डे, छह और दो आठ, और जुलाई के तेरह दिन कह रहा है ना, तो जुलाई के तेरह दिन माने उसके अंदर में भी छह ऑड डेज, सात से जितना ज्यादा है छह, तो छह छह बारह और दो चौदह, तो जीरो ऑड डेज हो गए ना, और जीरो ऑड डेज हो गए मतलब सेम डे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, सेम डे पड़ेगा माने क्या पड़ेगा मंडे। तो या तो ऑड डेज गिन लो या तो पूरा पूरा दिन गिन लो, ये समझो फिर से बता रहे हैं, नहीं समझ में आया दीदी फिर से सुन लो, मई मई 25 से लेके मई 31 तक में कितने दिन, छह दिन, तो ये सात से ज्यादा तो है नहीं, सात से कम, तो पूरा पूरा ऑड डेज हो गया क्योंकि एक वीक भी कंप्लीट नहीं बना। जून में 30 दिन, तो उसके अंदर में सात इंटू चार 28, 28 यानी उसमें दो दिन एक्स्ट्रा बना, तो जून के अंदर में दो ऑड डे, इसमें जुलाई में 13, इसमें सात दिन कंप्लीट हो गया, छह दिन एक्स्ट्रा, तो जुलाई के अंदर में छह ऑड डे, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए 14, और इन ऑड डेज अगर 14 बन गए तो इसमें भी दो हफ्ते कंप्लीट हो गए ना, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने रह गए, जीरो ऑड डेज, और जीरो ऑड डेज है इसका मतलब वापस से क्या आ जाएगा मंडे, ठीक है आया।
विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज 1700? देखो सुनो मेरी बात, हर सेंचुरी लीप ईयर पे सेम कैलेंडर आ जाता है, यानी आज साल 2100 का जो कैलेंडर चल रहा है, साल 2000 का जो कैलेंडर चल रहा है वही सेम कैलेंडर होगा साल 2400 का, यानी 2401 आज 2022 है आपका, तो जो 2022 का होगा वही साल 2422 का होगा। जो कैलेंडर जैसे आप सुनते होंगे ना कभी कभी, उसमें दिखाता है कि अब ये संयोग 400 साल के बाद आए, अरे भैया क्योंकि ये सेम चीजें उसी तरीके से रिपीट होंगी, कैलेंडर का सब लेना देना है, ठीक है? तो क्या चीज का, तो हर ये सेम कैलेंडर आता है 400 साल बाद, ठीक है? तो 1700 का सेम कैलेंडर कौन सा होगा? साल 2100। एक वैसे बता रहे हैं। अब इसमें हमसे एक और चीज कह रहा है, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज 1700। यहां पर जो एग्जाम्पल थे नंबर ऑफ ऑड डेज के हिसाब से, तो नंबर ऑफ ऑड डेज के हिसाब से अगर हम लोग गिने, नंबर ऑफ ऑड डेज के हिसाब से अगर हम लोग गिने तो 1700 के अंदर में अब हम लोग काउंट करेंगे कि कितने ऑड डेज हैं। तो बताइए साल 1700 में 365 दिन होंगे, साल 1700 तो डेज वाला 4 है तो 365 दिन होंगे कि ज्यादा होंगे? 365। तो साल 1700 के अंदर में क्या हो जाएगा, एक ऑड डे 1701 में, ये क्लासरूम में भी प्रयोग 1701 के अंदर में एक ऑड डे, 1702 के अंदर में एक ऑड डे, 3 के अंदर में एक ऑड डे, 4 के अंदर में दो ऑड डे, 3 एक, 4 2 6, 4 तो 6 ना, और 5 के अंदर में एक ऑड डे, 7 कंप्लीट हो जाएगा, यानी 1706 वाला जो कैलेंडर ईयर होगा वो सेम होगा, क्योंकि इसमें अब क्या हो जाएंगे 0 ऑड डेज, तो वहां पे सेम वीक्स रिपीट होने लगेंगे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? हाउ मेनी इयर्स हैव 29 डेज इन फेब्रुअरी? चलो ये सब भी जवाब दे ही देते हैं। अगर साल 2012 में जनवरी का फर्स्ट डे इज संडे, साल 2012 में जनवरी फर्स्ट डे इज संडे, तो बताइए विच डे इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द सेम ईयर? तो जनवरी में 3, साल 2012 है तो फरवरी लीप ईयर हो जाएगा, इसमें भी 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त का 15 दिन, 15 अगस्त ना, यानी एक ऑड डे, 15 दिन यानी 15 डिवाइड बाय 7 करेंगे एक रिमाइंडर बचेगा, एक, तो 3 एक 4, 3 7 2 9, 3 12 2 14, यहीं पे खत्म हो गया, और फिर 3 और 1 4, तो 4 ऑड डेज हैं, 4 ऑड डेज इसमें प्लस कर देंगे, चार और डेज इसके अंदर। अच्छा फर्स्ट जनवरी से ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जनवरी से ले रहे हैं और सेम डे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी एक तारीख का अगला नहीं ले रहे हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, यहां पे क्योंकि हम लोग फर्स्ट जन से ले रहे हैं तो फिर जनवरी का 2 दिन ले लीजिए, तो ये टोटल नंबर ऑफ यहां पे हो गया 13, 3 16 और 1 17, तो 17 डिवाइड बाय 7 करेंगे 3 और डेज बचेंगे, 3 और डेज अगर आप जोड़ लेंगे संडे के बाद, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। देखो वहां पे क्या था, हमको सेम डे चाहिए था, पीछे एक क्वेश्चन कराया था सेम डे चाहिए था, ठीक है, यहां पे हमको नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल करके बताना था कि कब आपका आगे का 15 तारीख पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पे आप वही तरीका फॉलो करेंगे जो कि पीछे हम लोग ने फॉलो किया है कई जगह। स्टूडेंट्स आज आपका एक टेस्ट भी है, अब आप लोग अपने टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए,
ठीक है, आपका टेस्ट के लिए हम आपको थोड़ा टाइम दें, ठीक, टेक सम टाइम। आपको ये जो टेस्ट पेपर है ये 12:45 पे मिलेगा, यू हैव, हाँ 12:45 पे, यू हैव सफिशियंट टाइम विथ यू, टिल देन प्लीज प्रिपेयर, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, रिकैप कर लीजिए, और फिर आपका ये 45 मिनट्स का, सॉरी 11:45, हमने 12:45 के निकल चुके थे, 11:45, ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जो लोग ऑनलाइन पे हैं वो लिंक जाएगा आपके पास में एप्लीकेशन पे, उससे प्लीज अपीयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।